नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। मध्य प्रदेश की कांग्रेस की कमलनाथ सरकार, कहने को तो किसानों की सबसे बड़ी हितैषी पार्टी होने का दावा कांग्रेस के द्वारा किया जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश में इन दिनों किसानों के जो हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं। और विशेष तौर पर मध्य प्रदेश में अगर बिंध की बात करें, रीवा की बात करें, तो वहां किसानों को बरदाना के लिए मोहताज होना पड़ रहा है। और धान उपार्जन की अंतिम तिथि जा चुकी है, लेकिन उसके पश्चात भी एक एक महीने से उपार्जन केंद्रों पर किसानों ने लाइन लगा रखी है। एक एक महीने से किसान वहां पर उपस्थित हैं, लेकिन किसानों की धान का उपार्जन अभी तक नहीं किया जा सका है। और इसके साथ ही साथ राजनैतिक गलियारों में, राजनैतिक रैलियों में कांग्रेस के नेताओं के द्वारा किसानों के हितों को लेकर के बड़े बड़े दावे और वादे किए जाते हैं, लेकिन हकीकत क्या कुछ है वो हर जगह पे देखने को मिल रही है। इसी का परिणाम है कि किसान आत्महत्या करने के लिए तैयार हो चुका है। और कहीं ना कहीं उसकी धान का उपार्जन नहीं होने से, साथ ही साथ समय पर खाद बीज नहीं मिलने से और सही वक्त पर उसके उपार्जन पश्चात फसलों के सही मूल्य नहीं उपलब्ध होने की वजह से किसान इन दिनों भारी गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है। और मध्य प्रदेश के रीवा जिले की बात करें तो शायद ही कोई ऐसा उपार्जन केंद्र हो जहां पर समस्याओं का दुभार ना लगा हुआ हो। समस्याओं के अंबार के बीच भी किसान लगातार संघर्ष करते हुए 10 दिन से 15 दिन से वहां पर उपस्थित है, लेकिन उसके बावजूद उसकी धान का उपार्जन नहीं किया जा सका है। और इसी का परिणाम है कि हर जगह पर आंदोलन, धरने, प्रदर्शन की राजनीति विरोधी पार्टियों के द्वारा और कांग्रेस के द्वारा वादे और दावे की राजनीति की गई है। अगर हम बात करें किसानों के मुद्दे को लेकर के, तो किसानों के मुद्दे को लेकर के किसी भी पार्टी के द्वारा सही रुख नहीं अपनाया जा रहा है। अगर हम रीवा की ही बात करते हैं तो रीवा में भारतीय जनता पार्टी के 8 विधायक और 1 सांसद मौजूद हैं, लेकिन इन विधायकों और सांसदों के द्वारा क्या कार्रवाई किसानों के मुद्दों को लेकर के की जा रही है, यह नजर से परे है। सिर्फ कांग्रेस सरकार की बुराई करने का ही वक्त इन लोगों के पास है, लेकिन किसानों के लिए जो उचित कदम उठाए जाने चाहिए, जो सरकार के द्वारा विकल्प तलाश किए जाने चाहिए, इस ओर ना तो सरकार का कोई नजरिया समझ में आ रहा है और ना ही विपक्ष के नेताओं का। इस विशेष खबर में आज हम रीवा जिले के कई उपार्जन केंद्रों की बात आपके सामने करने वाले हैं। और यह अब तक की किसानों के मुद्दे को लेकर के, धान उपार्जन के मुद्दे को लेकर के सबसे बड़ी खबर आपको हम दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले बात हम करते हैं गोविंदगढ़ उपार्जन केंद्र की। तो मध्य प्रदेश के रीवा के गोविंदगढ़ उपार्जन केंद्र में किसानों ने परेशान होकर के पिछले 18 जनवरी को रोड जाम करने का प्रयास किया था, जिसके बाद काफी समझाइश के बाद किसानों ने चक्का जाम खोला, लेकिन हालात अब भी जस के तस बरकरार हैं और सिर्फ आश्वासन, वादे और दावे की राजनीति, वादे और दावे की सियासत किसानों के लिए राजनैतिक दलों के द्वारा और शासन प्रशासन के कर्मचारियों के द्वारा की जा रही है। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के रीवा जिले के रायपुर करचुलियान उपार्जन केंद्र की। तो रीवा जिले में धान खरीदी केंद्रों पर अव्यवस्था को लेकर किसानों का आक्रोश शांत होता नजर नहीं आ रहा है। जिले की सेवा सहकारी समिति रायपुर करचुलियान के धान उपार्जन केंद्र में मनमानी और भर्रेशाही को लेकर किसानों ने रायपुर करचुलियान SDM को ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई की मांग की है। रीवा जिले के रायपुर करचुलियान तहसील अंतर्गत खरीदी केंद्र रायपुर करचुलियान में किसानों का आक्रोश उस समय उग्र हो गया जब बरदानों की कमी की वजह से सहायक समिति प्रबंधक व खरीदी प्रभारी के द्वारा किसानों की धान लेने से मना कर दिया गया, लेकिन व्यापारियों की धान लगातार तुलाई जा रही थी। इससे किसानों के साथ सौतेला व्यवहार होने पर किसानों ने एकत्रित होकर रायपुर करचुलियान खरीदी केंद्र प्रभारी की तानाशाही रवैया एवं अस्त व्यस्त के शिकार स्थानीय क्षेत्रवासी किसान अपनी समस्याओं को लेकर SDM रायपुर करचुलियान को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। सरकार किसानों के लिए प्रतिबद्ध है। एक तरफ खरीदी केंद्र प्रभारी की तानाशाही देखने को मिल रही है, जिसका शिकार क्षेत्रीय किसान हो रहे हैं। वहीं इस अवसर पर किसानों ने कहा कि 15 वर्षों से रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठ बोलने की नहीं हो पा रही रोकथाम, खरीदी केंद्र प्रभारी भी रहते हैं दलालों की साठ गांठ में व्यस्त, और अगर किसानों की समस्या का निराकरण सही समय पर नहीं किया गया तो क्षेत्रीय किसान
अनशन करेंगे। ज्ञापन के दौरान विशेष तौर पर विनोद गौतम बरेली, सुरेंद्र ओझा, पद्मदीप शुक्ला, शिवेश गौतम सहित अन्य लोग मौजूद रहे। अब हम बात करते हैं रीवा जिले के रिमारी क्रमांक 2 की। तो रिमारी क्रमांक 2 चादी के मामले में किसान परेशान होकर आत्महत्या करने के लिए तैयार हो रहे हैं। आक्रोशित किसान अनाज को जला रहे हैं जिससे काफी नुकसान हो रहा है और आने वाले समय में लोग भूखे मरेंगे। खरीदी केंद्र क्रमांक रिमारी 2 के किसानों ने परेशान होकर पोर्टल खुलवाने हेतु हाईवे पर जाम लगाया और धरना प्रदर्शन किया। किसानों के द्वारा लगातार कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, ऐसी सरकार नहीं होनी चाहिए जैसे नारे लगाए गए और अपने मांगों की पूर्ति के लिए किसान अनशन पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि हमारे मांगी पूरी करो। अब यह देखा जाना बचा हुआ है कि सरकार के द्वारा किसानों की परेशानी किस तरह से सुलझाई जाती है या सिर्फ दावे और वादे की राजनीति लगातार चलती रहेगी। इस अनशन में किसानों के साथ सनत तिवारी, राजू तिवारी, सूबेदार सिंह जैसे अन्य कई वरिष्ठ किसान और जनसमुदाय एकत्रित रहा। अब हम बात करते हैं पिछले दिनों रीवा जिले के सिरमौर स्थित उमरी धान उपार्जन केंद्र की। तो यहाँ पर कृषकों ने अव्यवस्थाओं से परेशान होकर के चक्का जाम कर दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे सिरमौर थाना प्रभारी शैल यादव ने समझाइश देकर किसी तरह से किसानों को चक्का जाम खोलने पर राजी किया। वहीं बात करते हैं त्योथर विधानसभा की। तो त्योथर विधानसभा के विधायक श्याम लाल द्विवेदी ने तुरंत बरदाना उपलब्ध कराने को लेकर के पिछले दिनों अनशन किया। रात भर अलाव के सहारे कार्यकर्ताओं के साथ बैठे रहे और आज दूसरे दिन SDM कार्यालय के सामने धरने पर भाजपा विधायक बैठ गए हैं। वहीं देर रात त्योथर SDM से मुलाकात नहीं होने के कारण त्योथर विधायक ने बताया कि अगर उनकी मांगे जल्द पूरी नहीं होती हैं तो 2 किलो आलू और आटा लेकर किसान पूरे त्योथर में चक्का जाम करेंगे और अधिकारियों के निवास पर ताला लगाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने घोषणा की कि यह हड़ताल एक अनिश्चितकालीन अनशन में परिवर्तित हो रही है। बात चाहे नई गढ़ी की हो या रीवा की सबसे बड़ी मंडी करहिया मंडी की या फिर अन्य किसी मंडी की, हर जगह पर हालात बद से बदतर हैं और किसान संघर्ष करने के लिए, किसान चक्का जाम करने के लिए, अव्यवस्थाओं से जूझने के लिए मजबूर है। ऐसे में देखना दिलचस्प हो जाता है कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार के द्वारा कितने जल्दी किसानों के हित में निर्णय लिए जाते हैं और कैसे उन्हें बरदाना उपलब्ध कराया जाता है या उपार्जन की डेट को कब तक के लिए बढ़ाया जाता है। वही देखना यह भी दिलचस्प है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसके जिले में 8 विधायक और सांसद अर्थात संपूर्ण राजनैतिक ताकत है, गो किसानों के मुद्दों को लेकर के आगे क्या प्रयत्न करती है, सरकार से क्या विकल्प तलाश करवाती है और किस तरीके से किसानों के मुद्दों को, किसानों की समस्याओं का समाधान सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा मिलकर के, स्थानीय लोगों के द्वारा मिलकर के उपलब्ध कराए जाएंगे। किसानों के मुद्दों को लेकर के बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ, देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार, धन्यवाद। ये जो सिमरिया में धान खरीदी का मामला चल रहा है, कई दिनों से किसान परेशान है और चक्का जाम भी हो रहा है, वरदाने की समस्या, ये कब तक निराकरण हो पाएगा, इनका क्या समस्याएं आ रही है? लगातार मुख्यमंत्री ये कहते नहीं थकते कि मैं वल्लभ भवन में इसलिए बैठता हूँ कि लोगों की समस्याओं पर ध्यान दे सकूं, लेकिन पिछले बार जिस तरह से किसी भी मामले में उनके द्वारा लापरवाही बरती गई, इससे पता चल रहा है कि वल्लभ भवन में बैठकर भी वो लोगों की समस्याओं से रूबरू नहीं हो पा रहे हैं। जहाँ तक किसानों की समस्याओं का सवाल है धान खरीदी के लिए, रीवा जिले में स्पेशली सहकारिता विभाग की हड़ताल के कारण खरीदी जो है 2 दिसंबर की जगह 12 दिसंबर से शुरू हुई थी और बीच में वारदानों की अत्यंत कमी के कारण, जिसके कारण हमारे क्षेत्र में भी किसान, सिमरिया क्षेत्र के किसान धरने पर बैठे थे, मऊगंज के विधायक धरने पर बैठे थे, मैं खुद भी धरनों के समर्थन में गया था और तब कलेक्टर और फूड कंट्रोलर के द्वारा वारदानों की सप्लाई बराबर करने के लिए हम लोगों को बात की गई थी, लेकिन उन्होंने वारदानों की सप्लाई बराबर नहीं कर पाए। इसी बीच पानी भी गिरा 5-7 दिन के लगभग, किसानों की उससे भी खरीदी डिले हुई। इसलिए मेरी ये मांग है मुख्यमंत्री से कि ये धान खरीदी जो है 5 फरवरी तक इसकी डेट, तिथि बढ़ाई जानी चाहिए। जहां तक अभी सवाल है
कल जो भी किसान पड़े हुए हैं खरीदी केंद्रों पर, वो उन किसानों की रात में मेरी बात हुई थी फूड कंट्रोलर और कलेक्टर से, तो उन्होंने ये कहा है कि सर में हम लोग लगे हुए हैं और हम लोग ऊपर पीएस से भी बात किए हैं और मुख्यमंत्री टू सचिव से भी बात किए हैं, बात हुई है, अभी कोई उत्तर नहीं आया है, तो संभावना ये है कि हम लोग लिस्ट बनाने की तैयारी कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसानों की खरीदी जो है उनकी लिस्ट बनाकर सर्वर में अपलोड की जाए, और जैसे गेहूं खरीदी के समय हम लोगों ने किया था और उसके बाद उनको परमिशन मिली थी, लेकिन 15 दिन बाद परमिशन मिली थी तो उन किसानों को लाभ नहीं मिल पाया था, इसलिए तत्काल 1 से 2 दिन के अंदर ये खरीदी चालू की जाए। आज मैं मुख्यमंत्री और प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात करने वाला हूँ, मुख्यमंत्री को पत्र लिखने वाला हूँ, और इसी तारतम्य में हम भारतीय जनता पार्टी यदि खरीदी नहीं हुई तो खरीदी केंद्रों में धरने पर बैठेगा। किसानों की और कुछ समस्याएं जो कि जो सरकार की प्रशासन की ओर से सुविधाएं दी जाती, जैसे अलाव की व्यवस्था नहीं रहती, वहां पे किसानों को रुकने की व्यवस्था नहीं दी जाती। उनका कहना है कि हम शीतों में पड़े रहते हैं, ठंडियों में पड़े रहते हैं, यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है, ना समिति प्रबंधक बोल सकता है, ऐसा क्यों? आप सब जानते हैं कि पूरे प्रदेश में इनकी कुप्रबंधन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, किसी भी मामले में, चाहे किसानों के मामले में हो। आप देखिए, अब आप खुद ही बता रहे हैं कि अलाव की व्यवस्था नहीं, इसकी नहीं, उसकी नहीं। कल मैं अपने क्षेत्र में था, सारे किसान बोल रहे थे कि मैंने अपने पिछले 15-20 सालों में इतना कुप्रबंधन वाली इतनी फेल सरकार नहीं देखी। इसलिए किसी भी मामले में ये सरकार पूरी तरह से फेल है, ये पूरी तरह से स्थानांतरण माफिया को संरक्षण देने में लगी हुई है, रेत माफिया को संरक्षण देने में लगी हुई है, शराब माफिया को संरक्षण देने में लगी हुई है, यूरिया घोटाला करके इन्होंने यूरिया माफिया को संरक्षण देने का काम किया, और अब ये प्रशासनिक स्तर पर प्रशासनिक अधिकारियों को एक काम। द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।